बांसगांव पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को धसका धनौड़ा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मार्कंडे राय पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ राय निवासी ग्राम धनौड़ा खुर्द थाना बांसगांव तथा रजत राय पुत्र ओम प्रकाश राय निवासी ग्राम धनौड़ा खुर्द थाना बांसगांव के रूप में हुई है, जिनके पास एक अवैध देसी तमंचा, एक फायर खोखा कारतूस को बरामद किया गया है। बांसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि 6 जुलाई को शाम में रामकृपाल पांडे पुत्र स्वर्गीय अनंत पांडे निवासी खमहुआ भट्ट थाना बांसगांव को अभियुक्त मार्कंडे राय पुत्र वशिष्ठ राय निवासी धनौड़ा खुर्द थाना बांसगांव व रजत राय पुत्र ओम प्रकाश राय निवासी धनौड़ा खुर्द थाना बांसगांव द्वारा फोन करके विशनपुर बाजार में बुलाने और बातचीत के दौरान विवाद होने पर अवैध तमंचा से फायर कर दिए थे, जिससे रामकृपाल पांडे के पैरों में गोली लगी थी, जिस पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक रतन कुमार पांडे, हेड कांस्टेबल कस्तूरी सिंह, कांस्टेबल वाल्मीकि प्रसाद गौड़, अमित कुमार तिवारी शामिल रहे। Yeah.